बुद्धानं बोहियानं सद्गुरुदेव एवं आगमवाणी को भावमय वंदना, उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। इस सृष्टि के सुंदर संगीत में जो लोग सतत लयबद्ध प्रवाहमान है, लयबद्ध गति कर रहे हैं, बचपन में बचपन के योग्य कर्म, युवावस्था में युवावस्था के कर्तव्य और वृद्धावस्था आने से पहले वृद्धावस्था की भी तैयारी और उनके कर्तव्य, जो जीवन के तीनों पड़ावों में सम्यक तया गति करते हैं, उनकी जिंदगी की प्राणधारा मरते क्षण भी फैलती है, अक्षुण होती है, विराट होती है। लेकिन जो लोग इस सृष्टि के सुंदर प्रवाह के अनुरूप न चल करके आरंभ करते हैं, आरंभ करने का मतलब छेड़छाड़ करते हैं, जैन सूत्रों में ये आरंभ शब्द प्रकृति के लयबद्ध प्रवाह को डिस्टर्ब करने को कहते हैं, शोरगुल पैदा करने को कहते हैं। तो जब कोई लोग आरंभ ही बन जाते हैं, छेड़छाड़ करने लगते हैं, शोरगुल पैदा करने लगते हैं, तो उनके आरंभ की वजह से वे सृष्टि के प्रवाह की हिंसा कर रहे होते हैं। जैन सूत्रों में आरंभ और हिंसा ये दो शब्द आते हैं और उसमें बताया गया कि हिंसा का मूल आरंभ है। आरंभ इज द रूट कॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ हिंसा। कैसी भी हिंसा क्यों ना हो, उसका रूट कॉज है आरंभ बनना। और आरंभ बनने का मतलब है अहम भाव युक्त विचार, वाणी और क्रिया का या प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करना। चल रहे प्रवाह को, रिदम को नष्ट भ्रष्ट कर देना। हमारी मन, वाणी और काया तीनों की गति ऐसी हो कि जो आरंभ भी ना हो, जो प्रवाह को डिस्टर्ब करने वाली ना हो। हम डिस्टर्ब किन किन तरीकों से करते हैं और कैसे करते आ रहे हैं, अगर हम अपने ऊपर दृष्टिपात करें तो हमें समझ आएगा कि कई बार भरी सभा में सब लोग शांत बैठे हैं और उनकी शांति में हम अपनी कुर्सी हिला करके भंग कर रहे होते, कई बार कुर्सी की आवाज तेज करके, कई बार जूतों की आवाज, चलते वक्त जूतों की आवाज इतनी तेज करते हैं कि बैठे हुए शांत लोगों की शांति भंग कर देते। और कई लोग जहां बैठे अपना सामान खोलना स्टार्ट करते हैं, वो पूरी सभा के सब लोग एकाग्र होकर के कुछ श्रवण आदि कर रहे हैं और वे लोग वहां बैठे हुए अपना बैग खोल रहे होते हैं, पॉलीथीन कवर खोल रहे होते हैं और उसकी आवाज के द्वारा सभा के लोगों की शांति को भंग कर देते हैं। और कुछ नहीं तो घूर करके किसी दूसरों को देखना चालू कर देते हैं, वो दूसरों की रिदम को डिस्टर्ब कर डालते, अथवा कानाफूसी करनी चालू कर देते हैं। अरे सभा में सब लोग बैठे, तुम कानाफूसी क्यों कर रहे हो? लेकिन उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें लगता है कि बहुत जरूरी बात है, नहीं कही गई तो मुश्किल हो जाएगी, कहीं भूल ना जाऊं, और वे कानाफूसी करना चालू करते हैं और पूरी सभा के वद्य प्रवाह को डिस्टर्ब कर डालते हैं। देखो जरा एग्जाम्पल्स है, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बता रही हूं और हम न जाने कहां कहां कैसे कैसे आरंभ कर रहे होते हैं। कई बार हम विहार यात्रा करते हैं तो देखते हैं सड़क एकदम सुनसान है, कोई सामने से नहीं आ रहा है, तब भी पीछे से आने वाला वाहन जोर से हॉर्न बजा रहा है या सामने से आने वाला वाहन जोर से हॉर्न बजा रहा है। अब हम कितना भी बोले ना, लोग कहेंगे भैया यही तो इंडियन है, हम भारतीय है, इसकी पहचान यही है कि हम शांत वातावरण में भी हॉर्न बजाते। और बाहर की कंट्री में कितना भी ट्रैफिक हो, बिना हॉर्न बजे लोग एक दूसरे को आराम से स्थान देते हैं और आगे निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग जब तक किसी को डिस्टर्ब ना करें, पॉसिबल ही कैसे? तो ये जो आरंभ करने की हमारी आदत है, इसको जरा पहचानना।
सुबह से लेकर रात तक मैं और कुछ नहीं तो हमारे पास से कोई गुजरा है, हम उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करेंगे, ये कह डालेंगे। आज बाल ऐसे कैसे बनाए, बिल्कुल भी नहीं जम रहे। अरे फिर से ये ड्रेस पहन ली, आपको ये ड्रेस पसंद है क्या? 100 ड्रेस और भी तो पड़ी है, दूसरी क्यों नहीं पहन लेते? सामने वाले ने पूछा भी नहीं था आपको, लेकिन जब तक आप टोको नहीं ना, पता कैसे लगे कि हम भी इस कमरे में बैठे। अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए हमें टोका टोकी करना भी तो जरूरी है, तो कुछ ना कुछ कह ही डालेंगे। चाहे वो खाना बना रहे हैं तो कह देंगे, खाना बाद में बन जाता, पहले कपड़े धो डालते। अरे भैया वो अपनी मर्जी से कर लेगी काम, जिसको खाना भी बनाना है, जिसको कपड़े भी धोने, उसको पता है कि उसको कौन सा काम कब और कैसे करना है। लेकिन ऐसा कैसे कि हम चुप रह जाएं? हमें हमेशा ये लगता है कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है और मुझे समझ आ रहा है, सामने वाला तो गलती कर रहा है और मुझे सब समझ आ रहा है कि वो गलती कहाँ कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो जब तक मैं उसको ना बतला दूं, तब तक शांति तो से आगे कैसे निकल जाऊं? अपने आरंभ करने की आदतों के कारण, शोरगुल पैदा करने की आदत के कारण, छेड़छाड़ करने की आदत के कारण, आप देखो घर परिवार के अंदर अशांति अशांति बनी रहती है। और छोटी छोटी मुद्दों पर न जाने कब कौन बहस कर लेता है, मुद्दे कुछ भी नहीं, बहस चालू हो जाती है। और बहस होने के बाद में जब बहस रुकती है तब लोग सोचते हैं आखिर ये बहस चालू किस बात पे हुई थी। तो वो हैरान होते, इतनी छोटी सी बात जो बात में बात नहीं, उस बात को लेकर के इतनी लंबी बहस हो गई। ये हमारी जीवनचर्या का ढंग है, ये हमारे जीने का जो तरीका है वो कितना आरंभी है। और ये आरंभ ही हिंसा है, ये आरंभ से हिंसा पैदा होगी। और हिंसा का मतलब किसी के प्राणों की गति को हम बाधित करेंगे, प्राणातिपात करेंगे। अब वो प्राण जो पूरे प्रकृति में मौजूद है, उन प्राणों को भी जो हम इंसानों के भीतर प्राण धारा चल रही है, जिनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, हम उन प्राणों की धारा को भी डिस्टर्ब करेंगे। कोई पढ़ रहा है न्यूज़पेपर, पढ़ने दो, लेकिन हम ऐसा कैसे पढ़ने दे रहे? हम कहेंगे अरे हम सामने बैठे और तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई बात हुई? और सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वो आदमी पढ़ रहा है सुबह सुबह, पढ़ने दो। लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम उसकी प्राण धारा को डिस्टर्ब तो करेंगे। अब इसी तरह से कोई ध्यान लगा करके बैठा है तो हम पहुँच जाएंगे, हम कहेंगे कितने घंटों से ध्यान लगा रहे हो, अरे बाबा तुम्हारा कैसा ध्यान लग जाता है, मुझे देखो मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ इतने सालों से तो भी मेरा ध्यान अब तक नहीं लग रहा। भाई तुम्हें किसी ने पूछा था कि तुम्हारा ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन जब तक हम बोल ना दे, हमें भी तो चैन नहीं पड़ता कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा, तुम्हारा ध्यान कैसे लग रहा है, और ये पता लगा कि हमारी भावना कैसी है, हमारी भावना यहाँ पर कैसी है, कितनी अशुभ भावना है, ईर्ष्या की भावना है, जलन हो रही है कि उसका ध्यान लग रहा है मेरा क्यों नहीं लग रहा है। अब तो ध्यान लगाने को लेकर के भी हमारे यहाँ कंपटीशन चल जाता है, मतलब कंपटीशन का और कोई कारण नहीं तो ध्यान कारण बन जाएगा। और किसी भी बात को लेकर के किसी दूसरे से साथ कंपीट कर सकते हैं। ये जो हमारे जीवन की चाल है, ये जीवन की चाल है, इस चाल में ही तो समिति नहीं है। और इस चाल में समिति न होने की वजह से, यानी इरिया समिति नहीं होने की वजह से, रोज प्राणों की विराधना होती है, रोज प्राणों की विराधना हो रही है। इसीलिए देखो बचपन से हमें सबसे पहले सामायिक के पाठ सिखाए गए, नमोकार और तिकुतों के तुरंत बाद में इरियापति का प्रतिक्रमण सिखाया गया। जिसने भी ये पाठ सीखे सामायिक के, उनको पता है कि नमोकार और तिकुतों के बाद में तीसरा चैप्टर जो हमें सिखाया गया था वो था इरियापतिकी का प्रतिक्रमण, इच्छामी इच्छा कारेणम का पाठ है ना, इच्छा कारेणम संधि स भगवम इरिया वह्यम पड़िकमामे, कि हे भगवान आप आज्ञा दो, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं इरियापतिकी का प्रतिक्रमण करता हूँ। अब पता नहीं इरियापतिकी का प्रतिक्रमण आज दिन तक भी हो पाया है या नहीं हो पाया है, क्योंकि अगर इरियापतिकी का प्रतिक्रमण करना एक व्यक्ति सीख जाए तो भला क्यों आरंभ करेगा,
क्यों छेड़छाड़ करेगा, क्यों अनावश्यक दाब पैदा करेगा, अनावश्यक टोका टोकी करेगा, सलाह मशविरा देता फिरेगा, दूसरे के वातावरण को, दूसरों के संगीत को, दूसरों के लय को, दूसरों की एकाग्रता को भंगी काहे को करेगा। लेकिन हम सब करते आ रहे और फिर भी हम कह रहे हैं कि इच्छा कारणम संधि स भगवम। तो बोलते समय जरा सोचना कि वाकई हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, वाकई हमें पता लग रहा है कि हमारे अतिक्रमण कहाँ है, हमारी एरिया में, हमारी गति में, हमारे गमनागमन में अतिक्रमण हो कहाँ रहे हैं। अगर एरिया के अतिक्रमणों का ही ख्याल नहीं है तो पाठ पढ़ देने मात्र से प्रतिक्रमण थोड़ा ही हो जाएगा। प्रतिक्रमण तो होगा ही तब जब हमें अपनी एरिया के अतिक्रमणों का ख्याल तो जगे। कहीं ऐसा तो नहीं बाथरूम में जाने के बाद में हमारा नल चालू रहा और उस नल की आवाजों की वजह से, एक तो नल की आवाज है, दूसरे हमारे गाने की आवाज है और बाहर कोई हमें कुछ बोल रहा है वो हमें सुनाई नहीं पड़ रहा, और जब बाहर वाला चार बार बोल जाता है फिर जब हमें सुनाई पड़ता है तो हम वापस चिल्लाना चालू करते हैं। हम कहते हैं इतनी ऊंची आवाज में क्यों बोल रहे हो आप, तो सामने वाला कहता है क्योंकि तुम सुन नहीं रहे थे, तुम्हारे वहां नल की आवाज चल रही थी इसलिए मैं इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा था। अब बस इतनी सी बात, पता नहीं ये बात यही निपट जाएगी या कब तक निपटेगी। हमारे यहाँ बातें जब शुरू होती है तो उसके अंत का पता नहीं चलता है कि वो शुरू हुई बात कौन से अंत तक जा करके रुकेगी, और कई बार रुकती नहीं है, वो फिर लौट लौट करके आती रहती है। और इस तरह से हम सब के माइंड डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब हम सब जहाँ भी रहते हैं, जिस भी घर में रहते हैं, जितने भी लोगों के साथ रहते हैं, कोई चार लोगों के साथ रह रहा है, कोई छः के साथ, कोई आठ के साथ, अब तो बहुत थोड़े परिवार बचे जहाँ कोई 12-15 लोग इकट्ठे रह रहे हो, ठीक है ना। लेकिन हम चार लोगों में भी जरा देखो संगीत कितना है, प्राणों की एक दूसरे के साथ में रिदम कैसी है, रिदम ही की नहीं है हमारे प्राण। हम सब एक दूसरे के साथ में ऐसे है कि बोले तो लड़े और नहीं बोले तो ठीक है, या बोले नहीं और कुछ हो जाने वाला है, बम फूट जाने वाला है, बोले नहीं और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाने वाली है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोग कहते हैं महाराज साहब हम रहते हैं लेकिन बोलते ही नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं बोलते? को बोला कि जब बोलेंगे महाराज साहब तो फिर इतनी लड़ाई हो जाएगी, इसे तो नहीं बोलना ज्यादा बेहतर है। दो भाई भी है, हम कहते आपस में बोलते क्यों नहीं हो? बोले क्या बात करना, वो अपने काम में अपने काम, अगर हम बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। अगर हम एक टेबल पर बैठ के कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे तो हम बिना झगड़े तो उठ ही नहीं सकते, इसलिए हम दोनों ने धार लिया कि ना बोले वो ज़्यादा बेहतर है। हमने कहा लेकिन आपको ऐसा क्यों है कि आप लड़ोगे ही लड़ोगे, बिना लड़े क्यों नहीं बात कर सकते? बोले अब तक का एक्सपीरियंस ऐसा ही है। अच्छा एक्सपीरियंस ऐसा क्यों है सोचो आप, क्योंकि हम सबके मनों में लगातार जो विचार चलते हैं वो विचार एक दूसरे को अस्वीकार कर रहे होते हैं, वो विचार एक दूसरे के दोषों का लगातार प्रतिलेखन कर रहे होते हैं, दोषों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, लोगों की कमियों को सर्च कर रहे होते हैं। और जो हमारे सबके दिल दिमाग के अंदर दूसरों के प्रति बहुत सारे तनाव और शिकायतें इकट्ठी हो जाती है, फिर जब भी हम बोलेंगे वो इकट्ठा हुआ स्टोर ओपन होगा और वो सारी चीज़ें बाहर निकलेगी। वो जब फूल खिलेंगे तो बदबू फैलेगी और तब हम कहेंगे अरे ये क्या हो गया, इसे तो अच्छा नहीं बोलते तो ठीक था। यानी जो स्टॉक इकट्ठा किया ना विचारों का, शिकायतों का, दुखों का, एक दूसरे के दोषों का, एक दूसरे की कमियां इकट्ठी करने का, वो सब स्टॉक इकट्ठा रहे, बंद रहे, पैक रहे, सील बनी रहे तब तक ठीक है, खुला नहीं और बस उसके बाद में जो फुहार छूटेगी उस फुहार के अंदर सबके कपड़े गंदे हो जाने वाले हैं, सबका व्यक्तित्व धूमिल हो जाने वाला है। ये सब हम सबके यहाँ चलता है, क्यों चलता है, कारण क्या है? अब देखना कारण, शुरुआत हमारी इरिया कैसी हो रही है, हम आरंभी कहाँ हो रहे हैं, हम हिंसक कहाँ हो रहे हैं, हम प्राणों को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, हम किसी की जीवन धारा पे अपने मन से लगातार क्वेश्चन मार्क क्यों लगाए चले जा रहे हैं। किसी की भी जीवन धारा कैसी भी है, हमारा मन लगातार उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहा है? हमारे मन को क्या जरूरत है इकट्ठा करने की सबकी बातों को, सबकी कमियों को? लेकिन हम इकट्ठा करते हैं और जब इकट्ठा करोगे तो निकलेंगे। तो हमने उन भाइयों को कहा कि अच्छा तुम दोनों एक दूसरे को टोटली स्वीकार करते हुए बातें करना स्टार्ट करो। बोले महाराज साहब वो बचपन की बातें गई, बचपन में था कि कोई कुछ भी कह दे तो स्वीकार हो जाता था, लेकिन अब नहीं स्वीकार हो सकता। क्यों नहीं स्वीकार हो सकता?
गहराई में जाना, क्योंकि आरंभ जहाँ होता है वहाँ कर्ता भाव जरूर मौजूद रहता है। और ये कर्ता भाव यानी ईगो की फीलिंग, और ये ईगो की फीलिंग जो है ना वो हम सब के अंदर इतनी गहराई से मौजूद है कि वो ईगो लगातार किसी की भी बात को सुन करके एक तो हमारे प्राण दुखी होने चालू हो जाते हैं, और हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाले के प्राण दुखी होने चालू हो जाते हैं। अब कभी हमारे प्राण दुखी होते हैं, कभी दूसरों के प्राण दुखी होते हैं। ये प्राणों की गति अवरुद्ध होती है, कष्ट पाती है, अतिपातित हो जाते हैं प्राण, यानी हमारी मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा हो जाती है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत गहरे में हम सब अपने अपने मनों में ईगो पाल करके बैठे। अगर ईगो पाल करके ना बैठे हो तो कोई कुछ भी बोलेगा हम उसको उसी रूप में सहजता से स्वीकार करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, सबके पास ईगो है ना। और तब कई बार लगता है कि बचपन में हमने सबसे पहले जो बोलना सीखा था, याद है आप में से किसी को कि हमने नमोकार मंत्र कब सीखा था? किसी को याद है कि मैंने नमोकार मंत्र कब सीखा था? कोई मुझसे पूछे तो मुझे याद नहीं है, हमें याद नहीं है हमने नमोकार मंत्र कब सीखा था, क्योंकि जब से बोलना आ रहा है तब से नमोकार मंत्र तो आ ही रहा है। आपको याद है, किसी को याद है या नमोकार मंत्र किसी ने कब सीखा था? अगर किसी ने 10-12 साल होने के बाद सीखा हो तो शायद याद हो सकता हो, लेकिन हम सब ने तो पता नहीं कब सीखा। जब से बोलना आया था तब से नमोकार मंत्र हमको आया था ना, तभी से नमोकार मंत्र आ गया। और अब देखो ये नमो का मतलब होता है न मो, मैं नहीं, ठीक है ना, मैं नहीं। और पूरी जिंदगी क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था कि नमो होना, मैं नहीं होना, ईगोलेस होना। लेकिन पूरी जिंदगी ईगो ही बिल्ट अप होता रहता है। ये नमो बचपन से तब से आया जब से हमने बोलना सीखा, लेकिन आज दिन तक नमो ही तो नहीं आया। और नमो ही आ जाता तो फिर झगड़ा क्या था, नमो ही आ जाता तो किसी से क्यों नहीं बनती। अरे कोई कुछ कह भी देता तो कहते धन्यवाद, आपने मेरा ख्याल रखा, गलती है तो मैं सुधारूंगा, और गलती नहीं है तो मैं इस बातों को स्वीकार करके वापस छोड़ दूंगा। स्वीकार किया आपकी बात को, लेकिन मैं इसके बाद इसको छोड़ दूंगा, अगर मेरी गलती है तो मैं स्वीकारूंगा, अपनी गलती ठीक करूंगा। अरे इतनी सी सरलता की बात थी, लेकिन ये वाक्य कितना सरल वाक्य है ना। बोलना, भावों में उदय में आना इस वाक्य का बहुत कठिन है। ऐसा कैसे कहते हम, और हम कैसे कहते? सबसे पहला सवाल तो यह आता है कि फिर मैं कैसे कह दूं, हम कैसे कहते? वो जो मैं रहता है ना, नमो नहीं हो पाने की कारण से हमारी जो एरिया है वो हमेशा ही डिस्टर्ब्ड होती है। देखो ये पाठों का भी बड़ा एक क्रम है, ये नमो नहीं होगा तो गति कैसे सही होगी। आरंभी व्यक्ति की गति हमेशा शोरगुल पैदा करवाएगी, उसका गमनागमन ही ऐसा होगा कि प्राण अवरुद्ध होंगे। चाहे वो किसी को बुलाता है, चाहे वो स्वयं किसी से मिलने जाता है, चाहे उसकी लाइफ में आकर के कोई संबंध स्थापित करता है या वो किसी की लाइफ में संबंध स्थापित करवाता है, जहाँ भी वो गमनागमन करता है, जहाँ भी वो लेन देन करता है, जहाँ भी वो रहना स्टार्ट करता है, जिन भी लोगों के साथ वो व्यवहार करना चालू कर देता है, वहाँ पर जहाँ भी ईगो है वहाँ पर क्या होगा देखना, इरिया में अतिक्रमण होगा, गमनागमन में आरंभ होगा, शोरगुल होगा। और उस शोरगुल की वजह से लोग आपस में साथ रहते हुए भी खींचे खींचे रहेंगे। और ये जो जीवन की चाल खींची खींची चलती है, इसी का नाम है कि पूरी जिंदगी अधार्मिक है, तनाव में है, आरंभ में है, हिंसा में है। अब ये हिंसा हम शारीरिक तौर पे करें ना करें, किसी को दाबे, कुचले, छेदे, भेदे, शायद ना दाबे ना कुचले ना छेदन भेदन करे, शायद हम किसी को कोई डंडे से मारे नहीं, कोई पैरों से लाते ना मारे, हाथों से घुसे ना मारे, हम इतने सभ्य लोग हैं कि शायद हम उस तरह की हिंसा ना भी करें,
हालांकि पता नहीं लगता, क्योंकि पहले हम तो बचपन में यही सोचते थे कि सभ्य लोग हैं, कभी हिंसा करते ही नहीं होंगे, लेकिन जब स्टोरी सुनने को मिलती है तो पता लगता है ऐसा नहीं है। बहुत सभ्य लोग भी कैसे असभ्य आचार कर लेते हैं, वे भी कभी कभी गुस्से में आकर के हाथ पैर उठाना चालू कर देते हैं। बोलना तो खैर कॉमन बात है, बोलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कई लोग अपने हाथ पैरों से भी लगातार एक दूसरे का हिंसा, कायिक हिंसा जारी रखते हैं। ये सब जो हो रहा है, इन सब को अगर हटाना है, बचना है, तो देखो इस एरिया समिति को सीखना जरूरी है। एरिया समिति का आज एक नया आयाम है कि जब तक हम आरंभ ना छोड़े तब तक हमारी एरिया समिति पूर्वक नहीं होगी। और आरंभ का मतलब है शोरगुल पैदा मत करो, नमो भाव में आओ, ईगोलेस हो जाओ। अब आप कहोगे मैं तो ईगो छोड़ दूं, सामने वाला नहीं छोड़े तो क्या करूं? क्योंकि जनरली जब भी हम बात करते हैं ना, तो धर्म की सब बातें हम सबको समझ में आती है ना, लेकिन फिर पता है हम अधर्म कब करते? हमें उम्मीद होती है कि मुझे समझ आ गई तो सामने वाले को भी समझ आनी चाहिए, मैं बदलने को तैयार हूं तो तुम भी बदलने को तैयार हो जाओ। और जैसे ही हम किसी को भी बदलने के लिए जाते हैं, किसी और में बदलाहट लाना चाहते हैं, ऐसे ही उसी क्षण से हम आरंभ भी हो जाते हैं, उसी क्षण से हम फिर से हिंसक हो रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी भूल है जो इतनी कॉमन है कि हम सारे लोग इतनी ज्यादा करते हैं कि हमें कभी ख्याल ही नहीं आता कि हमारी भूल भी है। मतलब हम सो कॉल्ड सभी धार्मिकों को ऐसा लगता है कि हमें लोगों को बदलना चाहिए, जैसे कि हमने एक नैतिक जिम्मेदारी उठा ली कि हमें लोगों को बदलना चाहिए। और फिर जो ज्यादा धर्म उपदेश सुनते हैं उनको तो ऐसा लगता है कि मैंने उपदेश सुना है तो मेरे परिवार वालों को बदल ही जाना चाहिए। अरे भैया, उपदेश तुमने सुना है तो परिवार वालों को क्यों, खुद को बदलना चाहिए ना। लेकिन हम सबको ऐसा लगता है कि मैंने सुना है तो आप बदलो, मैं बदल के आया हूं तो आप भी बदलो। और जैसे ही हम औरों को बदलने की कोशिश करते, बात तो तब है जब हम किसी को बदलना ना चाहें और लोग खुद ब खुद बदल जाए। लेकिन ऐसा कहां होता है, हम में इतना धीरज कहां, इतना प्रेम कहां, इतना विश्वास भी कहां, इतनी हमारे प्राणों में आस्था भी कहां और शांति भी कहां कि हम बदलना ना चाहें। यहां तो हर एक आदमी दूसरे को बदलने पे लगा हुआ है, हर एक आदमी ये चाहता है कि मेरा पड़ोसी बदल जाए। वाइफ कहती है बस ये हस्बैंड सुधर जाए, मैं बाकी पूरी सुखी हूँ, ये हस्बैंड सुधर जाए। हस्बैंड कहते हैं मैं बिल्कुल सही हूँ, थोड़ी इसको अक्ल आ जाए। हाँ, और जब उन दोनों के साथ अगर दो बच्चों को बिठा दिया जाए तो बच्चों की सुनो तो माशाल्लाह, वे कहेंगे पापा क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं समझते। हम लोगों की भी कुछ ख्वाहिशें होती है, हम बच्चे हैं, हमारे अपने फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, अरे हम घूमना चाहते हैं, खर्चना चाहते हैं, पापा पापा समझते ही नहीं। पापा आप कैसे समझोगे, आखिर आपके ज़माने में ये मैकडोनल्ड्स थे भी कहाँ? अब आप बताओ, अब बच्चों के अपने क्वेश्चन से क्या करोगे। हम में से कोई भी ये चाहता है कि दूसरा समझ जाए, मेरे को तो मैं तो समझा समझाया। और लोग कहते भी मतलब सर हमें ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत ज्ञान है। मैं कहती हूँ बिल्कुल सही है, आज दुनिया में ज्ञान की बातें की ज़रूरत ही नहीं है, सबके पास इतनी सारी ज्ञान की बातें हैं कि वो करेंगे क्या। तो क्या करते पता है, हम सबके पास बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं तो हम सब लोग सुबह से शाम तक ज्ञान की बातों को फॉरवर्ड करते रहते। हम लोग सुबह से शाम तक एक ही काम करते, ज्ञान की बातों को आगे से आगे फॉरवर्ड कैसे करना। अरे वो जब जीवन में नहीं उतरा है तो वो फॉरवर्ड कैसे होगा। लेकिन ऐसा ही है, देखो मोबाइल से एक सीख लो, मोबाइल के अंदर कोई इमेज आपके पास आती है, आप जब तक उसको डाउनलोड ना करो उसको फॉरवर्ड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, जब तक वो चीज़ डाउनलोड नहीं होगी तब तक वो फॉरवर्ड नहीं होगी। ओके, जो ज्ञान हमारे में डाउनलोड नहीं होगा ना वो हमसे फॉरवर्ड भी होगा नहीं। कोशिश कर लो, एंट्री रॉन्ग हो जाएगी, एंट्री खाली चली जाएगी, लेकिन कुछ फॉरवर्ड नहीं होने वाला है जब तक खुद में डाउनलोड नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी परवाह सबको फॉरवर्ड करने की है, डाउनलोड करने की नहीं है। तो एरिया समिति का आज एक नया आयाम है
कि जब तक हम आरंभी हैं हम इरिया समितिवान नहीं हो सकते। इसीलिए परमात्मा महावीर ने पांच महाव्रत की जहां बात करी, साथ ही साथ पांच समिति की बात करी। पंच महाव्रत और पंच समिति का सीधा सीधा संबंध है। अगर पहला महाव्रत साधना है तो उसके लिए पहली समिति साधना जरूरी है। बिना इरिया समिति को साधे सर्व प्राणातिपात विर्मन रूप पहला महाव्रत नहीं सत सकता। ऐसे ही जब आपको सर्व मृषावाद विर्मन रूप दूसरा महाव्रत साधना है तो भाषा समिति को साधना होगा। सर्व अदत्तादान विर्मन रूप तीसरा महाव्रत साधना है तो इच्छा समिति को साधना होगा। सर्व मैथुन विर्मन रूप चौथा महाव्रत साधना है तो आदान भंड मात्र निक्षेपणा यानी आदान निक्षेपणा समिति को साधना होगा। और पांचवा महाव्रत अपरिग्रह का साधना है, सवा परिग्रह विर्मणम को साधना है तो आपको पांचवी समिति उच्चार पासवण खेल जल सिंगार परिठावणिया समिति यानी परिस्थापनी का समिति को साधना होगा। ये पांच महाव्रत और पांच समिति का सीधा सीधा रिलेशन है कि समिति को साधोगे तो महाव्रत सज जाएंगे, क्योंकि महाव्रत रिजल्ट होगा। हकीकत में महाव्रतों को साधना बोले तो महाव्रत तो रिजल्ट होगा। किसका रिजल्ट होगा? समिति का। सम्यक प्रवृत्ति करो, महाव्रत ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएंगे। सम्यक प्रवृत्ति करना बस यही जिंदगी में सीखना है। चलना सबको आता है लेकिन चलना कैसे वो सदा ख्याल में रहे। बचपन से चलना सीखा लेकिन अभी तक भी चलना प्रॉपरली आए, बस उसी में हमारी पहले महाव्रत की साधना है, पहले अणुव्रत की साधना है। श्रावक है तो पहला अणुव्रत, साधु है तो पहला महाव्रत। दोनों में फर्क केवल इतना सा है कि साधु का जो महाव्रत होता है उसके आगे एक वर्ड लिखा होता है सर्व। सर्व यानी सव पाणाई वायाओ वैरमणम। श्रावक का जो पहला अनुव्रत होता है उसमें लिखा होता है थुलाओ यानी स्थूल रूप से, थुलाओ पाणाई वायाओ वैरमणम। दोनों में अंतर कितना हुआ? दोनों में पाणाई वायाओ वैरमणम कॉमन वर्ड है, केवल उसकी मर्यादा में फर्क है कि श्रावक कहता है कि मैं स्थूल रूप से प्राणातिपात का विरमण करता हूँ, सर्वथा नहीं। और साधु कहता है मैं सर्वथा प्राणातिपात का विरमण करता हूँ। लेकिन वो होगा कब? खाली बोल देने से तो नहीं होगा ना। और जीवन की राह ऐसी है कि यहाँ चल के ही चलने को समझा जा सकता है, बिना चले चलने को समझा भी नहीं जा सकता। बोलते बोलते ही बोलना सीखा जा सकता है, बिना बोले बोलना भी नहीं सीखा जा सकता। अब देखो जब बचपन में अपन ने बोलना सीखा था कैसे सीखा था? कैसे सीखा था? बोल करके बोलना सीखा था ना। एग्जैक्टली बोल करके हमने बोलना सीखा, चल करके हमने, अरे बस यही तो समिति कह रही है। समिति का मतलब यही है कि चल करके चलना सीखो, बोल करके बोलना सीखो। तो इरिया समिति की हम बात कर रहे हैं कि हम सबको चलना सीखना है तो चल करके ही चलना सीखना होगा। अगर लोग कहें मैं तो चलना ही बंद कर दूं तो मुझे कोई बाप ही नहीं लगेगा इरिया समिति का, कोई अतिक्रमण ही नहीं होगा, है ना। लेकिन ये जीवन का समाधान नहीं है। यहां प्रवृत्तियों को स्टॉप नहीं किया गया है, प्रवृत्ति रोक नहीं दी गई है। कई लोग कहते हैं कुछ करो ही मत ना, बात ही खत्म। और ऐसा पॉसिबल है? प्राण है तो गति करेंगे, श्वास है गति करेगी, भाव है गति करेंगे, विचार है गति करेंगे। हां वचनों में हम मर्यादा कर सकते हैं लेकिन क्षमता है तो बोलोगे। काया है गति करेगी। अब देखो छोटा सा बच्चा भी जब तक भूखा होता है तब तक शायद सोया रहे, चुपचाप बैठा रहे, लेकिन जैसे ही उसका भोजन पूरा मिला उसको उसने घूमना फिरना चलना उठाना पटकना सब चालू कर देना है ना, क्योंकि एनर्जी आई ना। और एनर्जी कभी चुप बैठती है क्या? एनर्जी कभी चुप नहीं बैठती। विराट गुरुजी हमेशा कहा करते कि एनर्जी कभी चुप नहीं बैठेगी, वो गति करेगी ही करेगी। इसलिए इस एनर्जी को राइट दिशा दे दो, अगर राइट डायरेक्शन नहीं दोगे तो रॉन्ग डायरेक्शन में गति करेगी। वो साथ ही एक बात कहते थे कि लब्धियां कभी चुप नहीं बैठती। अगर तुम्हें लब्धि मिल गई किसी बात की तो वो लब्धि अपना काम जरूर करेगी, अगर वो सही दिशा में नहीं निकलेगी तो गलत दिशा में निकल जाएगी। तपस्या करने वाले को लब्धि मिलती है, मौन रहने वाले को लब्धि मिलती है, शांत रहने वाले को लब्धि मिलती है, विचारों से वचनों से मर्यादित हो जाने वाले को लब्धि मिलती है। लेकिन ये लब्धियां चुप नहीं बैठेगी, राइट डायरेक्शन देना जरूरी है।
तो इसीलिए समिति और गुप्ति का ज्ञान ये जीवन के सारे आयामों में जरूरी है। प्रत्येक आयाम में ये समिति और गुप्ति का ज्ञान अति आवश्यक है। तो चलते हुए चलना हम सीख रहे हैं, तो हमारी चाल कैसी हो? अहिंसक चाल हो। हमारी चाल से हिंसा ना पैदा हो, हमारी चाल से, हमारी गति से आरंभ ना पैदा हो, हमारी गति से प्राणों का अतिपात ना हो। हमारी गति से अगर प्राण पतित हो भी तो सहज पात हो अथवा प्राणों का ऊर्ध्वगमन हो, लेकिन प्राणों का अतिपतन कभी ना। प्राण डिस्चार्ज तो होंगे, गति करेंगे तो हर एक्टिविटी के साथ में हमारी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज तो होगी, लेकिन वो डिस्चार्ज एक्सट्रीमली डिस्चार्ज ना बन जाए, वो प्राणों का पात अतिपात ना बने, सहज पात रहे। इसीलिए कहा सहज गति करो, दव दव करते मत चलो, उतावले में मत चलो, भागते दौड़ते मत चलो, आराम आराम से चलो। ऐसे चलो कि श्वास, प्राण, विचार, भाव और शरीर सबके बीच में एक रिदम बन सके, हमारे भीतर बाहर संसार के साथ रिदम बन सके। आप देखो चाइनीज लोग, चाइनीज लोगों में कुंफू प्रचलित है, सुना आपने मार्शल आर्ट कुंफू। उस मार्शल आर्ट में वहाँ स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग के डेज में सिखाया जाता है कि चलना कैसे। हमने भी वो ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन हमने सुना उसके बारे में कि वहाँ ऐसे सिखाया जाता है कि हवा को काटे बिना चलना सीखो। सोचो आप किसी कमरे में प्रवेश हुए और कमरे में बैठे हुए कोई व्यक्ति बैठा है या लेटा है, वो आंख बंद करके लेटा है, उसको पता लगेगा ना कि आप आए हो? भाई आंख खुली और पता लगे तो नॉर्मल सी बात है, वो आंख बंद करके बैठा है तो भी पता लग जाएगा कि आप आए हो, है ना। लेकिन मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है कि आप किसी कमरे में प्रवेश करो या किसी के राह से भी गुजर जाओ, किसी के सामने से भी गुजर जाओ, अब हवा को काटे बिना चलो, अब हवा के प्रवाह के अनुरूप चलो। सोचो शुरुआत करें प्रैक्टिस की, कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी सभा में जाएं और सभा में किसी के विचारों को, किसी के व्यवहार को, किसी शांति को, किसी लय को काटे बिना, भंग किए बिना बैठें, उठें, गति करें और वापस आ जाए। क्षमा करना, हम धार्मिक लोग हैं, लेकिन हमारी सभाओं में जितना अनुशासन विहीनता होती है, हाँ नहीं, मतलब सिंपली एक लाइन से बैठने की बात होती है, वहाँ भी कितनी बार साधु संतों को कहना पड़ता है अरे तुम लाइन से बैठो, हाँ, लेकिन तब भी हर आदमी अपनी मन मर्जी से ही, अगर कुछ सामान रखने की बात होती है हर आदमी अपनी मन मर्जी से ही रखने वाला, बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें होती है। और यहाँ तक कि हमारी सभाओं में अगर धार्मिक कमेटियों की मीटिंग्स होती है तो साधु संत तो दूर ही रहे तो अच्छे, नहीं तो सोचेंगे कि हम सारे प्रवचन किसको दे रहे थे, नहीं हमारे प्रवचन किसी ने सुने थे भी या नहीं सुने थे, वो भी सोच में पड़ जाएंगे। तो बड़ी अजीबोगरीब हमारी स्थितियाँ हैं, क्यों? क्योंकि समिति नहीं साधी। ये समिति साधो, ये पहला चैप्टर है, एक्चुअली ये पहला चैप्टर है, ये चलना सीखो, बिना हवा को काटे चलना सीखो। हवा यानी जो प्रवाह है, उस प्रवाह को डिस्टर्ब किए बिना, उस प्रवाह में अपनी एक अलग आइडेंटिटी दिखलाए बिना, शो किए बिना, अपनी प्रेजेंस को कहीं शो करने की कोशिश किए बिना गति कर लो। लाउत से एक चाइनीज हुआ, चाइनीज दार्शनिक हुआ, जिसने ताओ की बात की, जिसको हम यहाँ सत्य कहते हैं या आत्मा कहते हैं या परम ब्रह्म कहते हैं, उसको वो ताओ कहता था। वो कहता था कि उस व्यक्ति को ताओ समझ में आएगा जो शून्य होकर जीना जानता है, यानी बिना मैं के गति करना जानता है, उसे ये ताओ समझ आएगा।
बिना मैं के गति करना अभी पॉसिबल है? चलो अपन एक दिन प्रैक्टिस करें, इतना तो कर सकते हैं। एक दिन प्रैक्टिस करो कि सुबह से शाम तक जिनसे मिलो, जहाँ रहो, जिससे बात करो, अब बिना मैं के रहना सीखो। बिना मैं के मतलब आज घर में ऐसे रहो जैसे हो ही ना, जैसे घर में हो ही ना, रहो लेकिन हो ना, लोगों से मिलो लेकिन मैं को स्थापित किए बिना, मैं का विचार बीच में लाए बिना, किसी का विचार काटे बिना, किसी के विचार को अपने विचारों से प्रतिक्रिया दिए बिना, पॉसिबल है? एक दिन की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। एक दिन करें, दो दिन करें, अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, एक हफ्ते भी प्रैक्टिस करके देखो, फिर देखो क्या चेंजेस फील होगा। जैसे मैं हुई ना और मैं हूँ, मैं हुई ना और मैं हूँ, अगर ऐसे जीना आया तो आपको नमोकार मंत्र का नया अर्थ, नया आयाम प्रकट होगा लाइफ में, और तो आपको एरियापति की भी समझ में आएगी कि एरियापति की का मतलब क्या है, ये क्यों कहा गया कि गमना गमने पाणक गमने बियक गमने हरियक गमने ओसा उतिंग पणक दर मट्टी मकड़ा संताना संकमणे जे में जीवा विराहिया, ये सारा जीवन मेरे द्वारा विराधित ना हो, किसी का अतिक्रमण ना हो, किसी को दबाऊ ना, किसी को काटू ना, किसी को मारू ना, किसी को कुचलू ना, किसी को भेदू ना, ये सब कब कैसे संभव है? ये समझ आएगा, अनुभव से समझ आएगा। अब हम अनुभव करें ना, सीख पार तो बचपन में सीख ही लिए थे, अब जरा अनुभव पे चलते हैं। तो हम ऐसे चलें आज का दिन, ऐसी प्रैक्टिस करें कि हम हवा को काटे बिना गति करें, हम शोरगुल पैदा किए बिना, आरंभ किए बिना, बिना मैं के गति करें। थोड़ी सी प्रैक्टिस, जो लोग करना चाहते हैं, कौन लोग हैं करना चाहते है? हाथ खड़ा करके बता रहे हैं, अरे वाह, लगभग हम सभी लोग आज ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो एरिया समिति का पाठ, इतने दिनों से हम एरिया समिति को सुन रहे हैं, तो जरा आज हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कि हम आरंभ के बिना गति कैसे करेंगे, हवा को काटे बिना गति कैसे करेंगे, बिना शोरगुल के गति करेंगे, बिना अपनी प्रेजेंस को शो किए फील करवाए बिना गति करेंगे। ये करना सीखें, देखो प्राणातिपात और एरिया का आपस में क्या कनेक्शन है, ये खुद से समझ आएगा कि कुछ तो कनेक्शन है, कि जब मैं इरिया समिति में होता हूँ तो ना मेरे प्राण अतिपातित होते हैं, ना मेरे द्वारा किसी अन्य के प्राण अतिपातित होते हैं, और इस समिति में यत्नापूर्वक गति करते करते कदाचित कुछ भूल हो जाए तो प्रतिक्रमण करने की बात है। आप सोचो प्रतिक्रमण कब करने की बात है, कदाचित कुछ अतिक्रमण हो जाए तो प्रतिक्रमण की बात है, और जो टोटली अतिक्रमण में बैठा है, जिसका कोई संकल्प ही नहीं है कि मैं एरिया पूर्वक चलूंगा, मैं समिति पूर्वक एरिया करूंगा, जिसका ये संकल्प ही नहीं है, उसके लिए नो नीड टू एनी टाइप ऑफ प्रतिक्रमण, क्योंकि जिसके अंदर में अभी सामायिक की बात ही नहीं पैदा हुई है, समिति की बात ही नहीं पैदा हुई है, समय गति के अभाव ही नहीं प्रकट है, वो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है बिना होशोवास के, तो उसे किस चीज का प्रतिक्रमण? ना होश साधने की साधना है तो होश खोया इस बात का प्रतिक्रमण किसके लिए? पर हमारी होश साधने की साधना है या हमें होश पूर्वक चलना है, फिर अगर कदाचित चूक जाए तो हम वापस लौट आए। प्रतिक्रमण है कि चूक कर दी तो लौट आओ, इसका मतलब ये नहीं कि चूक करो ताकि प्रतिक्रमण करो, कदाचित चूक कर दी तो लौट आओ, परंतु चूक करी इसका पता भी उसको लगेगा जिसको नहीं चूकना है, इस बात का ख्याल है। तो हम एरिया समिति से गति करें, बिना हवा को काटे चलने का अभ्यास करें, देखें आज हमारी ये सभा कैसे विसर्जित होती है बिना शोरगुल के, कैसे हम पूरी दिनचर्या बिजनेस सब कुछ करते हैं बिना किसी शोरगुल के। जय हो।